हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस मैं जेपी नजरवाड़ दिल्ली से। तो गाइस आज सेकंड डे है। दिन कौन तारीख कितनी आज? तो गाइस 21 तारीख है और आज हम यहाँ रात को कैंपिंग करी थी। रात को शूट वीडियो शूट नहीं कर पाए अच्छी तरह से, क्योंकि कर जो गोप्रो का वो थी बैटरी वो डिस्चार्ज हो गई थी ज़्यादा गर्मी के कारण। तो हमारे जो राइडर हैं वो भाई कई अली भाई हैं, कई हैं, उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन कराते हैं और ये थोड़ा अपनाव करेंगे। सबसे पहले गौतम भाई जो मेरे साथ आए हैं, और कैसा कैंपिंग कैसी रही भाई की? कैंपिंग बहुत बढ़िया थी। हमारा एक्सपीरियंस बहुत एक्सट्रीम लेवल का था। हमने सोचा भी नहीं था कि हम कैंपिंग करेंगे। तो ये तो प्रकाश भाई की देन थी कि इन्होंने बोला कैंपिंग करनी है और इत्तेफाकन रास्ते में फिर मिले हमें ये भाई साहब। हाँ जी, मिस्टर अली। यस, ये आगरा से हैं भाई। ऑल ऑफ पर्सन का थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग मुझे अपने साथ लेके आए। सोलो राइड पर निकला था, पता नहीं था आगे लोग इतने अच्छे मिलने वाले हैं, इतनी अच्छी राइड होने वाली है। पहली बार जिंदगी में कैंपिंग का मजा लिया है और थैंक पाजी, आपकी वजह से कैंपिंग का सपना मेरा साकार हो गया है ना। ये हमारे पास ही, मैं लुधियाना से हूँ, मैं भी इनकी वजह से यहाँ रुक गया हूँ, नहीं तो ये ना होते तो हम यहाँ पे कैंपिंग ना कर पाते। मतलब कैंपिंग का जो एक अनुभव था ना, मस्त मजा आ गया। रात को बस सुबह 4 बजे ये भाई, तो हमारे वाली भाई हैं, रात को सुने नहीं दिए। अरे बोल रहा था भाई ये तो खराटे मारे थे, हालांकि पता नहीं था मैं मारा था, लेकिन जो भी है सारी रात पहला दिन बेटर था, बेहतरीन था। ठीक है, तो अभी ये हमारे छोटे पाजी साजन पाजी बहुत मजा आया कैंपिंग में, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। हाँ जी जी। तो गाइस ये मिनी गोवा के नाम से जानते हैं इसको, यहाँ पे अपना ये कहाँ पे, ये पठानकोट के साथ में ही है। तो कभी आप आते हो यहाँ पे तो रात को कैंपिंग करना, मस्त मजा आया, प्रकृति का चारों तरफ नज़ारा, वही इधर अपने लेक है। ठीक है, बाकी हमारे थोड़ा बहुत ये वो करेंगे भाई। अमित नाम है मेरा, मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ। सागर अपना गौतम बाजी जो है मेरे फादर इन लॉ हैं। बहुत कम एज डिफरेंस है हमारे बीच में, बट स्टिल ही इज माई फादर इन लॉ। रिश्ते में ही हमारे ससुर लगते हैं। नाम है इनका गौतम। बट बहुत बहुत अच्छा डिसीजन रहा हम लोगों का, क्योंकि कल हम अंबाला तक तो बहुत अच्छी ट्रिप पे आए थे, उसके बाद कुछ ब्रेकडाउन की वजह से टाइम जो है हमारा काफ़ी ख़राब हुआ। तो हमने पटनी टॉप ना जाके साजन पाजी और गुरजिंदर पाजी की एडवाइस पे यहाँ आने का डिसीज़न लिया, कैंपिंग करने का डिसीज़न लिया, और बहुत अच्छा डिसीज़न रहा। क्योंकि पटनी टॉप जाके लेट नाइट पहुँचते कुछ खास होता नहीं, और इतना सीनिक व्यू जो है हम मिस कर जाते हैं। तो आप में से कितने लोग यहाँ इस प्लेस के बारे में जानते हो या आपने सुना है, वो भाई के चैनल पर आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएँ। और अगर आप लोगों ने नहीं करा तो भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो लोकेशन डाल दें, डिटेल्स डाल दें, आप लोग आओ कैंपिंग करो यहाँ पे। ऊपर और स्टे करने के लिए भी कैंप्स वगैरह हैं, और एंजॉय करो फैमिली के साथ, एंजॉय करने की बहुत अच्छी जगह है। आगे जाके थोड़ा से चलेंगे लेक के साथ साथ, तो बोटिंग वगैरह करने का भी इंतजाम है जी, जी, जी। फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, वीकेंड ट्रिप के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो गाइस अब थोड़ा ना लेक का थोड़ा व्यू दिखा फिर मैं, लेक का व्यू दिखाओ यहाँ पे, मस्त मतलब चारों ने बहुत अच्छा व्यू है। अगर आप कभी आते हो यहाँ पे तो आपकी एक अच्छी ट्रिप होगी। यहाँ बोटिंग का मतलब अच्छा वो है, बहुत बढ़िया एक नंबर का। और जो कैंपियन है वो तो मस्त है, मतलब हम जो कैंपियन का हमने डिसीजन लिया वो एक माइंड ब्लोइंग था, उस बारे में तो हम बिया कर ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी हमारी बाइक है बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। ये हमारे पाजी की बाइक है 3600 CC रॉयल इनफील्ड। ये हमारे भाई जी सुपर स्प्लेंडर, मतलब सुपर स्प्लेंडर से ये लद्दाख, ये सोचिए हमारी रानी है जो हमें अभी प्रेजेंट में राजा बनाए हुए है। ये हमारी रानी है, दिखाओ जरा इसको, गाड़ी नंबर दिखाओ, सब दिखाओ, है ना, ये रानी है। और हमारे भाई के चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के कर दो भाई, है ना। और जो शेयर कर रहा है ना वो अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हमें ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि मेरी वजह से किस किसने शेयर किया है, मैं भी तो कमेंट पढ़ूंगा ना। जी जी ठीक है। और गाइस आप अपनी बाइक रेडी हैं, कल की थोड़ी ट्रिप हमारी अगर अनजाने में देखें तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि मेरी गाड़ी में 2 बार पंचर हुआ। उन पंचर होने के कारण एक अली भैया मिले मेरे को, साथ में हमारे पास ही है सिद्धार्थ जी, ये दोनों मिले। अगर पंचर नहीं होता शायद ये ना मिल पाते और शायद हम यहाँ नहीं होते। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब थोड़ा आगे के नज़ारे दिखाएंगे आपको। तो जितने वीडियो होगा आज शूट करेंगे गाइस, क्योंकि गोप्रो तो बंद हो गया है, अभी इसी से शूट करेंगे सोनी से। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं।